सही भाई, अगर हम लोग आ जाए भैया आपके बुजुर्गों के पास मिलने के लिए, तो आपको दिखाते हैं आज अपने प्रजापति समाज की क्या कलाकारी है और क्या आपके विशेषता है, हाथ का हुनर दिखाते हैं आपको भी। राम राम बाबा। देखो जी, ये हमारे प्रजापति समाज की जो है कुम्हार की जो कलाकारी, ये देखिए, ये हमारे बाबा हैं। बाबा नाम क्या आपका? रामचंद्र। देखो जी, ये है कलाकारी, ये है हाथ का हुनर, जो कि पुरानी कलाकारी है, आजकल के बच्चे नहीं सीखते इसके बिल्कुल भी, जो बिल्कुल लुप्त के कगार पे खड़ी है इस टाइम ये लगा। और हमारी जो कलाकारी है ये बन रही चिलम, और चिलम बन रही है। हाँ चिलम बन रहा है, ये देखिए चिलम है। ये कितने हाथ की सफाई से, हाथ के हुनर से, ये देखिए ये बन गए चिलम। ये देखिए आपको शुरू से दिखाते हैं कैसे मट्टी को इसके चाक के ऊपर रख के, और कैसे अपने हाथ के हुनर से हमारे बाबा इसको जो बनाते हैं, देखिए जी आप देखिए। ये है कुम्हार के हाथ में कलाकारी, मिट्टी से कैसे वो उसको तराश के, और कैसे इसको देखो इसके रूप में आकार मिलाया जाता है इसको। ये चिलम में एक मिट्टी का आकार था, और अब देखिए अब कैसे मिट्टी के आकार से इसको तराशा जा रहा है। और इसमें जो छेद नहीं है अब छेद करेंगे बाबा, देखो चिलम है, ये हाथ का हुनर। देखा वेरी गुड बाबा, कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? हाँ जी मंगल भाई को 40 साल हो गए काम करते। 40 साल से आप काम कर रहे हैं? हर काम कर लेते हो, मटका है, दीवे, हर काम जितने भी कुम्हार का मट्टी काम होता है सब कर लेते हो। वेरी गुड। और आगे जो आपके बच्चे हैं या पोते हैं, कोई सीख रहा है इस काम को? ना। कोई नहीं सीखता? अच्छा, उसको डाई लगाई है। अच्छा, वो भी डाई लगा के कर रहे काम। बिल्कुल जी, जो हमारे पुराने बुजुर्ग है जी वही मिट्टी का काम करते हैं। नया कोई सीख नहीं रहा, लेकिन जिसमें हमें सीखना चाहिए, नई पीढ़ी को भी सीखना चाहिए। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने शुरू में मंदे हाँ बाकी हैं। हाँ क्या चलो 10 पच्चीस की हुई। हाँ जी, ये भी आज चलो जा रही 15 रुपये की प्रॉब्लम। अच्छा, तो वैसे दुकान पे कितनी बिकती होगी? 30 रुपये की। 30 की? अच्छा, अभी 15 रुपये की जाती है आपकी? हाँ 15 की। देखो जी, ये हमारे बुजुर्ग आदमी, ये जो हमारे बुजुर्ग है, ये संदेश दे रहे हैं आपको कि भाई जो आने वाली नई पीढ़ी उसको भी हाथ का हुनर सीखना चाहिए, लेकिन जो आज की पीढ़ी है वो ये हाथ का हुनर नहीं सीख रही है बिल्कुल। देखो जी, और बाबा इतना जब है कि पहले हाथ से घुमाते थे, और अब तो इतनी फैसिलिटी हो गई है कि जो है बिजली के सब ये आ गए हैं, चाक वगैरह हाथ वाला भी है। हाँ हाथ वाला भी है, लेकिन अब तो कम से कम इतनी फैसिलिटी हो गई है, ये तो बहुत हो इतनी फैसिलिटी हो गई। देखो जी, मोटर से चल रही है, मोटर बिजली की मोटर है, पूरी से चाक चल रहा है पूरा, इतनी फैसिलिटी हो गई है। देखो जी, ये देखिए फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए सारी चिल में बनाई हुई है, एक से एक छोटी है, ये बड़ा साइज है, ये बड़ा साइज है,
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये उससे छोटी है। देखो पहले ये मिट्टी को कूटते पूरी को, फिर भिगोते इसको। भिगोने के बाद ये कुछ मुलायम हो जाती है, फिर इसको कूटते हैं, इसको एक साथ बराबर करते हैं, छोटा रोड़ी कंकड़ जो होती है उसमें से बाहर निकालते हैं, फिर उसको ऐसे फैलाते हैं। पहले देखिए ये पूरी मिट्टी फैला रखी है ताकि इसमें जो कंकड़ रोड़ी हो जो उसे बाहर निकल जाए, और फिर उसके ऐसे भिगोते हैं। और भिगोने के बाद फिर ऐसे मिट्टी में छानते हैं। ये छानने के बाद फिर ये भी चाट पे आती है, वो फिर ये बनाया जाता है। ये हाथ का हुनर जी। वो आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? देखो 55 साल की उम्र में भी बाबा ऐसे काम करते हैं। और आज ने 55 साल की उम्र में खाट में लेट के उठते बैठते नहीं है, क्योंकि सारा मेहनत का काम है। उसे पसीना निकालते तो शरीर में कोई रोग की मतलब ही नहीं बनता। वेरी गुड।